के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर बहुत बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों ही अवैध है और वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार। सवाल है कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, अब वो जेल से सरकार चलाकर आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध है और वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं, लेकिन केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी और तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। दूसरी ओर केजरीवाल के जेल जाने के बाद से आपके नेता ताली और थाली बजाकर विरोध जता रहे हैं। जिस तरीके का केजरीवाल ने कोरोना काल में उपहास उड़ाया था, विडंबना ये है कि लालू यादव जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज वो न सिर्फ उनके साथ है बल्कि शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालू यादव के पदचिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव को आरोपी बनाया गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लालू यादव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था और आज जब केजरीवाल जेल में हैं तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की सीएम बना सकते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और दोनों ही बार उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैठकर खुद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे कई नेताओं ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।